नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। दुसौर के गांव साकतली का एक किसान अपनी समस्या को लेकर अनोखे अंदाज में लोट लगाकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बता दें कि गांव साकतली का किसान शंकरलाल पाटीदार कई दिनों से भूमाफियाओं से परेशान है। किसान शंकरलाल पाटीदार ने शासकीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी किसी अधिकारी ने मेरी समस्या नहीं सुनी, जिससे परेशान होकर मैंने जिला कलेक्टर कार्यालय पर लोट लगाकर आया हूं। वहीं मौजूद अधिकारियों ने किसान को लोट लगाने से रोका और समस्या सुनी। शंकरलाल पाटीदार साकतली भूम माफियाची परेशानी कोड़े रोज है। परेशानी पटवारी तहसीलदार गलती करें, कोटवारी चक्कर किसान काटे, वकील की फीस हम दें कि शासन दे? शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते, सजा में वो करते। किसान किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ। बहुत शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है, बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते हो, गांधी दिखे कानून बिके, गांधी दिखे कानून बिके, बिकते बिकने वाले ये अधिकारी लोग बिकते है। हम इसे हाशी से मुक्त किसान करे। वहाँ दलाल लोग बहुत रहते हैं, तहसील में जाते दलाल से बात करते हो, वो दलाल हमारे को पीटता। क्यों हम दलाली क्यों देते? किसान के परेशानी क्या है? खेती करे थी वितरण मांगी खाओ, जीते जीतने वाले क्यों? हम इतने परेशान हैं, हम दुखी है किसान। ये मौका था, ये बाद में हम किसान के साथ होगा धोखा। जनसुनवाई में श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया, तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625, जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, वो जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है, परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है। अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वो ही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाया है, समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिसपे हम कार्रवाई कर सके। और जहां तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है उस पे भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है। तो अभी वो ही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांतरण हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है।